नमस्कार दोस्तों, मैं रतन मोलो आज एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, प्रॉब्लम है डाउनलोडिंग इंग्लिश यूएस अपडेट। दोस्तों ये प्रॉब्लम अभी अभी फ़िलहाल आ रहा है सभी मोबाइल के अंदर, कुछ गूगल के कुछ अपडेट करने के कारण कुछ एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम चलते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो तो दोस्तों, तो यहाँ पे हम सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे ढूंढते हैं गूगल। दोस्तों अगर आपका मोबाइल अलग अलग कंपनी का है तो अलग अलग जगह पर आपको गूगल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपका काम है गूगल को सर्च करने का। तो गूगल का अकाउंट मैंने ओपन कर दिया और सबसे नीचे आ जाना है आप। दोस्तों सबसे नीचे सेटिंग फॉर गूगल ऐप्स, ये ऑप्शन आपको प्रेस करना, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक और ऑप्शन आएगा सर्च असिस्टेंट, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको जो है वॉइस के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे ऑफलाइन स्पीच का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे ऑटो अपडेट है, वो उसके कारण ये जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको डू नॉट ऑटो अपडेट के ऊपर टिक मार्क कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे जो इंस्टॉल हुआ है, आप इनको दोनों लैंग्वेज को अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो अनइंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल ऊपर का लैंग्वेज को भी इंस्टॉल करके आपको जो लैंग्वेज चाहिए उस लैंग्वेज को आप अपडेट कर सकते हैं। तो आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, हिंदी चाहिए, दोनों को आप यहाँ से डाउनलोड करके अपडेट कर दीजिएगा। दोस्तों तो मैं यहाँ पे एक बार अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद में दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपडेट होने के बाद में भी आपको ये देखो यहाँ पे डाउनलोडिंग इंग्लिश यूएसए, यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ नया इंग्लिश लैंग्वेज है जो गूगल ऐप्स के अंदर आ जाएगी और यहाँ से अपडेट हो जाएगा, लेकिन जो नीचे जो एरर है वो आपका नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है लेकिन जो एरर है वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। एक्चुअली ये एरर अभी नहीं है लेकिन फिर भी शो हो रहा है। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करना है, क्योंकि लैंग्वेज तो अपडेट हो गया है। अपडेट होने के बाद में वहाँ पर उसका कोई रीज़न ही नहीं बनता रहने के लिए। तो मैं एक बार इस मोबाइल को जो है स्विच ऑफ करके ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद में यहाँ पे जो लैंग्वेज है, देखो आपको मैं बता दिया हूँ क्या क्या करना है सेटिंग के अंदर, बस अब ये चीज़ जाना है तो वो चला जाएगा। आपको यहाँ पे ये देखने को नहीं मिलेगा, वो भी मैं आपको स्विच ऑफ करके दिखा भी देता हूँ कि इतने सारे करने के बाद में भी ये अगर आपका नहीं जाता है तो ये सब करने के बाद में आपको पक्का जाएगा, गारंटी। मैं अभी मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर दिया हूँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा दोस्तों। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।